मालथौन के रंजवास गांव में एक युवा किसान ने झरबेरी के पौधों में ग्राफ्टिंग कर एप्लवेर के नए पौधे तैयार किए हैं। जहां कृषि क्षेत्र में नवाचार करने वाले किसान ने छोटे गांव से नया मॉडल तैयार किया है और उसे पेश किया। यह परंपरागत खेती से हटकर है। खेतों के किनारे उगने वाली झरबेरी में ग्राफ्टिंग कर एप्पल बेर का पौधा बना लिया गया। अब इसका उत्पादन हो रहा है। किसान ने बताया कि उन्होंने 4 साल पहले भी ऐसा प्रयोग किया था, लेकिन वो असफल हो गया था। वहीं अब उन्होंने हार ना मानते हुए दोबारा ग्राफ्टिंग कर एप्पल बेर की नई फसल तैयार की। किसान इस प्रकार की खेती कर बहुत लाभ कमा सकते हैं और इससे इंस्पायर हो सकते हैं, यानी कि प्रेरित सागर के माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूं और वहां पर डॉक्टर KS यादव जी हैं, तो उनके माध्यम से मैं उसकी सारी प्रोसेस करता रहता था। लेकिन 2016 में जो पाला पड़ा था उसमें सारे आम के पौधे नष्ट हो गए थे, तो मुझे करीब 170 पौधे आम के नष्ट होने का बहुत दुख हुआ। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने सोचा, अपने यहाँ का मैंने जलवायु समझी, वो क्लाइमेट को समझा कि भाई यार हमारे यहाँ तो मतलब ये है कि हम 4 साल मेहनत करके अगर एक पौधा बचा भी लेंगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। फिर मेरा झुकाव एप्पल वेयर की तरफ हुआ, तो एप्पल वेयर में कर सकते हैं। फिर मैंने केवल एक ही पौधे पर मेहनत करते हुए उसको मदर प्लांट बनाया। बहुत सिंपल टेक्निक होती है, लेकिन बात करने की होती है, और इसलिए जो है हम भी उनकी काफी जो है प्रशंसा करते हैं कि वो जो उन्होंने किया। और जो है उन्होंने ये भी सलाह में दिया, वो भी लेकर बेर के तो कुछ फल भी आए थे मेरे पास, तो मैंने बोला कि बेटा इसको जो है और ज्यादा एरिया में लगाइए और पहले इसके जरबेरी या अपने जो पुराने बेर पड़े हैं उनकी जो है प्रूनिंग कर लीजिए, और प्रूनिंग करके उसमें जो कल्ले आते हैं फिर से उसमें बड़े बड़े जो है लगाओ। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है किसानों के लिए, हमारे बुंदेलखंड के लिए एक नजीर है, कम से कम जो है उनका देखा देखी जो सभी लोग।